बट द थिंग इज अभी हमारे लिए इंसान की जान बहुत मैटर करती है। ऊपर भी नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ नहीं होगा। मैं भाई दर्द लग रहा है इतने का हाथ पकड़ के लेकर के आ रहा हूँ कहीं थुरक थुरक जाए। जी मैं गाइस अगर ये लड़की मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं तो मुझे लगता था कि मैं पहुंच पाता। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस आज इस एपिसोड की शुरुआत हो रही है सोनप्रयाग से। हम लोग कल रात सोनप्रयाग पहुंच गए थे गाइस एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने यहीं पर स्टे ले ली थी बिकॉज आज ट्रैक शो करना था। द थिंग इज G20 समिट के कारण जितने भी चॉपर थे सब बंद हो चुके हैं एंड उसी के कारण पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग चॉपर से जाएंगे बट अब वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं। एंड द थिंग इज यहाँ पर ना अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज यहाँ पर टैक्सी नहीं चल रही है। सो हम लोग होटल अभिषेक में रुके थे गाइस। जो प्रधान जी यहाँ की उनसे हमारी बात हुई थी, शी इज़ वेरी पोलाइट एंड हम्बल। उन्होंने अपने होटल के स्टाफ से हमें छुड़वाने के ऊपर बात कर ली थी। तो आधे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, बैक एंड में बहुत सारे काम निपटाने थे इसलिए आई कुडंट स्टार्ट द व्लॉग। बट अभी के लिए गाइस एवरीथिंग इज रेडी, सब लोग तैयार हो चुका है। सामान सामान हम लोगों ने ना हाइलेक्स में रख दिया, ये रही हाइलेक्स और ये रही थार। सारा सामान थार और हाइलेक्स में भर चुका है गाइस। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। अभी दिन के बचे हैं ऑलमोस्ट 3। आधे लोग ऊपर गौरीकुंड में जा चुके हैं जहाँ से ट्रैक शुरू करना होता है। हम लोग भी जस्ट जा ही रहे हैं गाइस, लेट्स गो। तो हम लोग जी निकल चुके गाइस, हम लोग बाबा जी के दर्शन के लिए। भाई मैं ऊपर लेकर के जा रहे गाइस, सच्ची बता रहा हूँ मैं बोलते बोलते थक चुका है। पहाड़ी लोगों का सपोर्ट बहुत क्रेजी है गाइस, सब लोग इतने अच्छे से मैनेज करते हैं हम लोगों को जब भी हम लोग इस साइड ऊपर रहते। बाय बाय। फिलहाल परक भाई और ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं, हम लोगों ने ट्रैक शुरू करना है। मुझे टेंशन इस बार दो लोगों की, एक परक भाई की और एक अपनी बंदी की रितिका की। यार मुझे मत बोलो, मैं पहाड़ी लड़की हूँ, देखना ऊपर। देखते हैं आज कितना पहाड़ी पहाड़ी निकलेगा। देखते रहना, तुम्हें ना खींच के लेके जाऊंगा। सतीश जी याद है ना पिछली बार हम किसको खींच के लेकर गए थे? पता है जी, सब बोलना ठीक। छोटे हाथी को गाइस, स्मृति को। प्रीति हमारा छोटा हाथी था उस टाइम भाई, उसे हम लोग इतना खींच खींच करके लेके गए थे ना, लैपटॉप का बैग प्लस वो 100 किलो की बंदी। तो शुक्र है हम लोग पहुंच गए गाइस आधे रास्ते में, फिर उसे घोड़े के ऊपर कर दिया था। कॉल करने वाली है मेरी बहन की तारीफ मैं उस दिन करूंगा जिस दिन वो पतली हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी बहुत ज्यादा रोडों की हालत खराब है भैया। ऊपर बारिश हो रही है? हो रही है। बाकी रास्ते तो सही है ना? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था कि बीच बीच में वो लैंडस्लाइड हो गई थी तो टूट गया था। हो रखा है अभी भी? हाँ है, एक जगह पे बहुत सेफली चलना पड़ेगा बट ये ट्रैक करने के मजे हमेशा क्रेजी आते हैं गाइस। पहुंचते हैं ऊपर गौरीकुंड पर और फिर ट्रैक शुरू करते हैं गाइस अपना। ओके गाइस पहुंच चुके हम लोग ट्रैक वाले रास्ते पे एंड हम लोगों ने परक भाई को भी उठा दिया। परक भाई क्या मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा है, एक्साइटेड ट्रैक करने के लिए। पलटियों मत देख, पहले बता रहा हूँ तेरे को, मेरा बड़ा भाई जा रहा है ना मेरे साथ। आज हर्ष भी मुझे भी उठा के लेकर जाएंगे। हाँ, और तुम्हें कौन उठाएगा? मैं अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि रितिका भाई हो, बड़े हो, भाई होने के कुछ तो हो ना। और क्या, छोटे भाई बहन को तो संभाल सकते हो आप। देख रहे हो इमोशनल डैमेज कर रहे हैं। बबे तुम नहीं बोल सकती, इस वाले कंधे पे आ जाऊंगा और बबे तेरी इस वाले कंधे पे और रितिका पीठ पे, रितिका पीठ पे और मैं सतीश जी की गोदी पे। सतीश जी कितना पपीता की गोदी पे सीखता है। लाल थिंग इज गाइस पहुंच रहे हैं ऊपर। भाई लोग नीचे बता रहे थे कि 5 बजे गौरीकुंड के कपाट बंद हो जाते हैं बट दैट इज इन रेनी सीजन, जब बारिश बुरिश वाला टाइम चलता है तो ऊपर जाने नहीं देते बिकॉज थोड़ा रिस्की हो जाता है ना ऊपर लैंडस्लाइड का। चलते हैं ऊपर, मिलते हैं गाइस। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग और हमारी गीता बबीता आ रही है वहां से। देखो सतीश जी आप उनके वो क्या बोलते हैं, आमिर खान थे जो वो ट्रेनिंग के लिए रोज भगा रहे थे। आ गए गाइस, वो देखो हमारी गीता बबीता। गाड़ी नहीं चल रही थी, गीता बबीता बैठ गई थी नीचे, हो गए थे लड़ रहे थे गाड़ी में। गाड़ी के टायर नीचे हो गए थे फ्लैट। ओके यार तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू करा है। हेलो हेलो, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। चेक दिस आउट गाइस, वी आर हियर एट गौरीकुंड एंड फाइनली हमारा ट्रैक शुरू होता है। जय श्री केदार बाबा। ओके बॉयज हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर लिया है एंड द थिंग इज लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रितिका मेरी बातचीत चल रही थी, ये ना कहाँ पर थी उस टाइम तेरी? फ्लैट में ही थी, तुमने जिद करी थी कि चल लो और मैं आ नहीं पाई थी किसी कारण। हाँ ये किसी कारण से आ नहीं पाई थी एंड आई प्रोमिस सर। प्रोमिस वो भी केदारनाथ से टेक्स है सारे। मैं केदारनाथ था, मैंने कहा यार कोई बात नहीं इस टाइम नहीं आ पाई, नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में आएंगे एंड चेक दिस आउट बॉयज, इस टाइम हम लोग साथ में जा रहे हैं। मतलब मैं मुझे लगता है मैं कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका हूँ इसके साथ रह करके, बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा बिलीव करती है इन सब चीज़ों में। मेरे को भी
विश्वास हो गया इन चीजों पे। मैं कहा था ना लास्ट टाइम जो प्रॉमिसेस पूरे किए गए थे वो इस टाइम पूरे होंगे, जिन्हें पता ना पता है। जय बाबा के दा, सबकी विशेष पूरी, भगवान जी सबको खुश रखे, सबको बहुत सारा पैसा दे, लाइफ में खुशी दे, लाइफ में खुशी दे, सबको हेल्थ वाइज अच्छे रखे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर देख रहे हैं, बाबा जी आप पे पूरी कृपा बरसा के रखे। ये देखो गाइस, दिस वाज द थिंग, मैं आपको बता रहा था बारिश के कारण ना ये साइड कुछ एरियाज के पूरे नीचे चले गए। यहाँ देखो पूरा धंस करके बारिश के कारण ना रास्ता ही चला गया। अभी तो आगे बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, सो ये भी बहुत खतरनाक हो रखा है। एंड द थिंग इज बारिश होना शुरू हो चुकी है, आगे पूरा बारिश वाला मौसम, हम लोग रेन कवर्स नहीं लेके आए। आई होप हल्की हल्की बारिश हो तो चलेगा, बट ज्यादा बारिश में हालत खराब हो जाएगी यार। तो यार एशिया कप आ चुका है एंड मैं अपना गेम खेलने के लिए रेडी हूँ, वो भी परे मैच पर। मैंने परे मैच के बारे में आपको बहुत बारी बताया गाइज, इट इज वन ऑफ द ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म इन इंडिया जहाँ पर आप जीता हुआ पैसा इजिली विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू बैंक, पेटीएम एंड यूपीआई। ऑल्सो गाइज परे मैच लेकर क्या है, क्विज फॉर ऑल क्रिकेट लवर्स, जहाँ पर आपको बस 3 questions के आंसर करने हैं। अगर आपका आंसर सही हुआ गाइज तो यू कैन विन अ न्यू आईफोन, अ क्रिकेट बैट एंड बॉल साइंड बाय निकोलस पूरन। एंड ऑल्सो गाइज परे मैच का जो यूजर इंटरफेस है ना वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड इजी है गाइज, मैं खुद इसे बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। एंड द थिंग इज गाइज, परे मैच ने ना बाहुबली के सब्सक्राइबर्स के लिए एक वेलकम बोनस दिया है 20,000 rupees का। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में परे मैच का लिंक दे रखा होगा, जाओ जाकर के साइन अप करो गाइज। मेरे लिंक से साइन अप करोगे तो वेलकम बोनस मिलेगा 20,000 rupees का एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन एन आईफोन और बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस। गो साइन अप ऑन परे मैच नाउ एंड विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले, जय भोले, जय बाबा के दा, जय बाबा के दा। परग भैया भी है ना जान? यस यस, आज आपका पेट दो बिलान छोटा, फुल एब्स ऐसे आ जाएंगे। परग भाई मेरे को पूछे वॉशरूम है, मैंने कहा हाँ भैया, तो ऊपर सब सेटल करा दिया, वॉशरूम वॉशरूम रास्ते में वी विल हैव वॉशरूम्स एज वेल। अभी तो बहुत अच्छा कर दिया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ना, द ओनली थिंग इज अभी बजे 6, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग कितने बजे तक पहुँच जाए बेब्स, 1 बजे तक पहुँच गए तो सब सेटल हो जाएगा। बट आई नो गाइज, एक ना एक पलटे का, अगर हमारे पास लगेज ना हो है ना, बट चल सकते हैं। लगेज का क्या सीन है, अगर तू घोड़े पे लगेज करवाएगा ना तो फिर एनिमल क्रुएलिटी है भाई, कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली भाई वही समझ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ भाई, देखना मतलब हमारे दादा की उम्र तक लोग पैदल पैदल चल रहे, इतना सामान ले लेकर। हाँ तेरे दादा भी आ रखे क्या आज? मेरे दादाजी अगर आ सकते तो मैं जरूर लाता। मेरे दादाजी तो आ नहीं सकते गाइस क्योंकि वो ऑलरेडी केदारनाथ जी के पास चले गए, वो ऑलरेडी भगवान जी के पास है ना। Okay guys, first wicket down. We have got Parag bhai. Parag bhai ko khila rahe hum log pain killer. Kya ho raha hai? Pet mein dard ho raha hai? Kya ho raha hai? Mujhe na aisa ho raha hai ki na main na girne wala hu. Nahi, nahi giroge, tension not. Jab tak hum log saath hai na. Jab tak shiv ji saath hai tab tak. Parag bhai pani kam piyo aur cold coffee kam piyo. Sahi mein. Maine Red Bull khila di, aise bhagenge. We gives you wings. Red Bull bhi nahi hai. Urte pe ja rahe hain. Red Bull bhi nahi hai. Kao, kao, kao. Hamare group ka kabwa kaun hai Harsh? वो नहीं, वो कौवा बिरयानी वाला नहीं, गाइस फाइनली हम लोगों ने परग भाई को थोड़ा सा ठीक करा एंड हम लोग पहुंच गए थे भीमबाली। एंड चेक दिस आउट गाइस, ये पूरा रास्ता ना कुछ दिनों पहले पूरा खराब हो गया था एंड यहाँ तक पत्थर पुत्थर आ गए थे, ये ना पूरा स्लाइड हो गया था क्योंकि बादल फटा था गाइस, तो फिर उस कारण से ना लाइक यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड हो गया था। चेक दिस आउट, कितने सारे पत्थर है, डर तो लग रहा है इतने का, हाथ पकड़ के लेकर के आ रहा हूँ कहीं थुरक थुरक जाए। फिर और क्या लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा, महादेव के पास जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड द थिंग इज गाइस, भव्या ना सबसे आगे दौड़ती हुई चली जा रही है। यू रिमेंबर बैक इन 2020, मैं भूल बता भी नहीं सकता हूँ वो रात कितनी मुश्किल थी मेरे लिए। मेरे को बस ये था कि मुझे अपनी बहन को बचाना है एंड अपनी बहन को ऊपर सेफली पहुँचाना है। अभी तो ठीक है, आई हैव गॉट एवरीवन, द होल टीम। उस दिन वो मैं और एक दोस्त और थी उसके साथ, वो भी मोटी सी थी तो वो भी चल नहीं पा रही थी। मम्मी पापा पहुँच गए थे ना ऑलरेडी घोड़ा लेकर के, वो ऑलरेडी पहुंच गए थे। मम्मी पापा को तो घोड़ा करा देते नीचे से क्योंकि वो नहीं चल सकते रहे। हर्ष तुझे पता है मैं भव्य को कैसे लेकर के ये रास्ते से 2020 में, कसम खा रहा हूँ, लाइट भी नहीं थी, अकेले बस अंधेरे में एक जगह लाइट ढूंढ रहा था, नेटवर्क भी नहीं था। अभी तो हमारे पूरे फोन में नेटवर्क है, सब कुछ है। अंकल आंटी जी भी तो पहुंच गए थे पहले ही। मम्मी पापा और पहले पहुंच गए थे, उनकी भी टेंशन, उनको सांस नहीं आ रही थी। वो जो रात मैंने झेली है ना, मैं आपको बताता हूँ, पता रहते हम लोगों ने क्या करा था। जैसे तुम्हारे उसमें शॉल है ना, हमारे पास उस टाइम लट्ठी थी गाइस, हमने ना चादर लट्ठी करी, बीच में भव्या को डाला और दोनों साइड लट्ठी में हम लोग लेकर के उसे लेकर के गए। एंड आज मेरी बहन देखो भयंकर सबसे आगे चल रही है, सुपर प्राउड ऑफ भव्या गाइस। वो जितना सपोर्ट है ना मेरा गाइस, उतना तो हर्ज भी नहीं है। मैं तो बहुत सारी विशेज मांगूंगा, बस एक विश ये रहेगी कि हम सब परिवार को साथ रखना और हमेशा खुश रखना। गाइस रात के 12:30 बज चुके हैं, भव्या मेरी बहन तुम्हें याद आई ये रास्ते,
ये कौन से रस्ते हैं? हड्डी चुभरी पर आपकी सच्ची में हड्डी चुभरी। अनु ये इधर बैठ जाओ, सच्ची में पहले मुझे बताइए कौन से रस्ते हैं। जहाँ मैं पलटी थी एग्जैक्टली गाइस, जहाँ भव्य का पत्थर है गाइस, भव्य और दूसरे पत्थर देखती थी, बोलती थी इस पत्थर पे लेटा दो, इस पत्थर पे लेटा। मैंने कहा बहन बस पहुंच गए, 2 किलोमीटर और बस। देख लो आपको खींच खींच के लेकर आ रही। तुम्हें पता है तुम्हारा गॉडफादर हूँ मैं, तुम्हारी जान नहीं बचाती हुई थी ना उस दिन, गिना दिया ना मतलब जान बचाने के बाद। गॉडफादर को बताना पड़ता है ना, तुम मुझे खुद क्रेडिट नहीं देती गाइस, फिलहाल पहुंच गए। अच्छा क्रेडिट देना पड़ता है। तो गाइस सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, क्या हुआ मेरे साथ, ये मकड़ी ना मेरे ऊपर चल रही थी, बाय गॉड ये देख रहे हो ऐसे नहीं करते इनके साथ, वो मेरी मम्मी है भाई, ऐसे नहीं, जाल बिछो, जाल छोड़, जा बिच्छू। भाई तू मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे हो, आ जाओ इधर आओ। भाई काट देगी सच्ची में, ये ले स्पाइडरमैन बनने की जगह फोड़ा हो जाएगा। कहीं तू यहां उधर मैं सर छु 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 जाले फेंकते हुए जा रहे हैं मंदिर तक। ओके गाइस देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान, परक भाई की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, सो वो ना चल नहीं पा रहे, उन्हें ना ऑक्सीजन की बहुत बहुत ज्यादा लो लेवल हो रहा है उनको ऑक्सीजन का, तो हम लोग ना ये तिरपाल निकाल रहे हैं गाइस यहां से, एंड द थिंग इज अब हम उन्हें ना इस त्रिपाल में ऊपर लेकर के जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बचा गाइस, क्योंकि उनकी तबीयत ना हर सेकंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हमारे पास एक लाइटर है एंड ये त्रिपाल हम लोग यहाँ से पिघला रहे हैं गाइस, आई एम सो सॉरी जिसका भी है गाइस, हम उन्हें बाद में पे कर देंगे, बट द थिंग इज अभी हमारे लिए इंसान की जान बहुत मैटर करती है, इसीलिए जिसका भी त्रिपाल है गाइस हम लोग इसे फोल्ड करके लेकर के एक पूरा स्ट्रेचर बना रहे हैं एंड उन्हें फिर ऊपर लेकर के जाएंगे। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी विल डू इट। यार अरे मैं पकड़ रहा हूँ, चलो बॉयस परक भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है एंड द थिंग इज बाकी सब लोग ना पहले हॉस्पिटल गए थे ऊपर, बट हम लोगों ने वो त्रिपाल खोल करके इंतजाम कर लिया। आई एम रियली सॉरी जिसका भी वो त्रिपाल केदारनाथ से होगा ना, मैं आई विल पे एम, बट इस टाइम ना अभी जान बचानी बहुत ज़रूरी है, उन्हें ना ऑक्सीजन लॉस होना शुरू हो चुका है, सो हमने पूरी टीम को भी कॉल कर दिया एंड वो नीचे आ रहे हैं, वो तो शुक्र है नेटवर्क है इसलिए सब कुछ सेफ है। पराग भाई वो बैठे हैं अभी। बॉयस आई हैड अ कॉल विद भव्या, हॉस्पिटल में बात हो गई, हॉस्पिटल वाले लोग और CRPF के जवान स्ट्रेचर लेकर के नीचे आ रहे हैं, स्ट्रेचर रहेगा ना तो हम लोग आराम से उठा सकते हैं, बेस्ट थिंग। यहाँ पर CRPF के जवान हमेशा एक्टिव रहते हैं, लास्ट टाइम जब भव्या की तबीयत खराब हुई थी कम आउट टू हेल्प, फिलहाल भी हम परक भाई को कुछ खिला रहे हैं बिकॉज इनकी बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई गाइस, वो ऑक्सीजन मास्क भी लेकर के आएंगे जैसे ही वो आते हैं, फिर इन्हें ऊपर लेकर के ऊपर चलते हैं यार। ऑक्सीजन डिप्रिवेशन आप तो यूट्यूबर हो, हम लोग 10 बजे भीमबाली पहुंच गए थे बट उसके बाद नहीं चल पाए एकदम। ओपन करना वो थक गए हैं बहुत ज़्यादा। सो व्हाट हमारा ना ऊपर ऑलरेडी होटल में होटल कुछ काम था ना रखी ऊपर और बिगड़ गई। ओके सर
हांजी बढ़िया गाइस, परक भैया इज डूइंग ऑल राइट नाउ, पता नहीं किसी रूप में आकर मैं भाई हम देखो गाइस तबीयत खराब हो तो बीस्ट है, ऐसे नहीं भाग जाओ ऊपर। मैं आपको चीज बता दूं गाइस, चेक दिस आउट, ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, शुगर लेवल भी नॉर्मल है, लेके जाएंगे दर्शन तो करवाएंगे पैदल ही। परक भैया करने हैं, फिट एंड फाइन हो जाओगे। एग्जैक्टली फिट एंड फाइन गाइस, लेट्स गो। फिर तो सब कुछ एकदम दवाइयां भर लो, बाहर चले गए गाइस। परक भाई को हम लोग भेज रहे हैं मस्त पालकी में, नीचे से ही भेज देना चाहिए था, है ना। इन्हें ना घोड़ा पड़ाव में छोड़ना, ठीक है। घोड़ा पड़ाव में अपना एक बंदा होगा, अब घोड़ा पड़ाव पहुंचो, मैं बंदा भेज रहा हूँ वहाँ पर, और अब सीधा शॉप पे, वो आपको शॉप पे लेकर के जाएगा, वो आपको मस्त चाय चाय पानी खिलाएगा, आप पहुँचो हमारे। हम लोग जी सुबह के बज रहे हैं 5, इतना लंबा ट्रैक करके फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ टेम्पल। सच्ची में गाइस अगर ये लड़की मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं तो मुझे लगता था कि मैं पहुंच पाता, इस लड़की ने इतना साथ दिया ना मेरे को, हाथ मत छोड़ना साथ मत छोड़ना। भाई साहब सच्ची में लाइक ये लेके आ गई खींच करके, अकेले में तो मैं वन शॉट कभी लगा ही नहीं पाता, आज तक हम लोगों ने ट्रैक कभी वन शॉट किया ही नहीं गाइस। फिलहाल पहुँच चुके हैं टेम्पल के पास गाइस, टेंट में जाएंगे, हिम्मत नहीं बची बिल्कुल भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। आज की एंडिंग हम गुड मॉर्निंग से कर रहे हैं वो भी बोलने की हिम्मत नहीं गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।